जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एनएसआई की प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है जब हम किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हों तो सबसे पहले जहन में जो आती है वो यही चीज़ आती है कि लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ कितनी थी, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और आगे के लिए हम खुद को प्रिपेयर भी कर पाते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को कांस्टेबल एंड एसआई की दोनों की कट ऑफ बताऊंगा और साथ ही मैं आप सभी को कुछ ऐसी फैक्चुअल चीज़ें भी बताने वाला हूं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जानना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए, क्योंकि बहुत लोग आपको कट ऑफ के बारे में तो बता सकते हैं लेकिन इससे जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी है जो कि शायद हर जगह आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2018 की कट ऑफ, फिर उसके बाद देखेंगे आरपीएफ एसआई 2018 की कट ऑफ। तो पहले कांस्टेबल देख लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल 2018 की कट ऑफ आप सभी को दिख रही है। तो जैसा कि हमने ले रखा है, तो जैसा कि आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 6 ग्रुप आप सभी के होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, इसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ लगती है। अगर आपको ये नहीं पता कि एक ग्रुप क्या होता है और कैसे आपके फॉर्म वगैरह अगर भरा जाता है उसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके बारे में भी आप सभी को बता दूंगा। पहले यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो गया कि 6 आपके ग्रुप होते हैं ए बी सी डी ई एफ, तो टोटल आप सभी को दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी आप सभी की दी गई है ओ बी सी एस टी एस टी एस सी एस टी अदर ओ बी सी, और ये फीमेल का आप सभी का हो जाएगा और यहाँ पे आपका मेल का दिया हुआ है, ठीक है। इस बार की 2022 की जो आपकी वैकेंसी रहेंगी उसमें आपकी एक कैटेगरी और बढ़ जाएगी, वो रहेगी ईडब्ल्यूएस। तो 2018 वाली जो भर्ती थी उसमें ईडब्ल्यूएस नहीं थी, तो यहाँ पे 2022 में जो भर्ती होगी उसमें ये वाली कैटेगरी और शामिल हो जाएगी। अब यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा ए ग्रुप की, तो इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो टोटल कट ऑफ है वो कितने मार्क्स में से है, 120। तो 120 का आपका पेपर होता है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप सभी को बता चुका हूँ, वीडियो नहीं देखी तो जाके चैनल पर देख लेना, आप सभी को मिल जाएगी, उसमें पूरी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी तो सब कुछ बता चुका हूँ। अब ए ग्रुप की यहाँ पे देख लेते हैं। तो ए ग्रुप की ओबीसी में वैकेंसी नहीं है, एससी कैटेगरी में देखो ऊपर देखते चलना, मैं टिक लगाता चलूंगा अगर कैटेगरी ना बोलूँ तो। एससी कैटेगरी में 77.9, एसटी कैटेगरी में 78.32, जनरल कैटेगरी में बात करें 83.82, फीमेल कैटेगरी में आ जाते हैं तो 55.66, एससी कैटेगरी में 50.76, एसटी कैटेगरी में 50.76, और वहीं पे अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 57.21। बी ग्रुप की अगर बात करें तो 89.26, एससी कैटेगरी की बात करें तो 82.26, 78.68 एसटी कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में 89.42। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 54.30, एससी कैटेगरी में बात करें तो 51.39, एसटी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो 51.27, जनरल कैटेगरी में 61.72। अब आ जाते हैं सी ग्रुप में, तो सी ग्रुप में आपकी ओबीसी की वैकेंसी नहीं है, एससी कैटेगरी में बात करें तो 78.26, एसटी कैटेगरी में 77.41, जनरल कैटेगरी में 87.32। फीमेल कैटेगरी में देखेंगे 47.37 ओबीसी, एससी कैटेगरी 43.91, एसटी कैटेगरी 48.05 और जनरल कैटेगरी 53.38। अब बात कर लेते हैं डी ग्रुप की। तो डी ग्रुप में आप देखेंगे मेल कैटेगरी में ओबीसी की जो कट ऑफ है 120 कट ऑफ गई है, यानी 100% मार्क्स लेने वाले का सिलेक्शन होगा। अब ये 100% मार्क्स कैसे आए वो भी आप सभी को बताऊंगा और आपके भी कैसे आ सकते हैं वो भी, तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि इसी में सबसे बड़ा मेन लोचा है। अगर आपने ये समझ लिया तो आरपीएफ कांस्टेबल हो या एसआई हो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप खाली कट ऑफ को देख के समझोगे तो आप परेशान हो जाओगे कि इतनी कट ऑफ कैसे गई। अब यहाँ पे एससी कैटेगरी देखेंगे 86.15, एसटी कैटेगरी 82.53 और जनरल कैटेगरी 117.83। ओबीसी कैटेगरी 71.3 फीमेल कैटेगरी में, और एससी कैटेगरी 58.03, एसटी कैटेगरी 64.42 और जनरल कैटेगरी 74.75। ई ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो ई ग्रुप में ओबीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट में 61.33, एससी कैटेगरी में 62.05, एसटी कैटेगरी में 50.09 और जनरल कैटेगरी में 50.09। वहीं पे फीमेल कैटेगरी में ओबीसी में वैकेंसी नहीं है, एससी कैटेगरी में 38.88, एसटी कैटेगरी में 36.14 और जनरल कैटेगरी में 42.48। आगे चलते हैं तो लास्ट आपका बचता है एफ ग्रुप। एफ ग्रुप के लिए मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मेल की वैकेंसी होती है, फीमेल की वैकेंसी नहीं होती। तो ओबीसी कैटेगरी में 89.1, एससी कैटेगरी में आपकी 69.92 और एसटी कैटेगरी में 67.96 और जनरल कैटेगरी में आपकी 93.22। अब ये आपकी कट ऑफ थी कांस्टेबल आरपीएफ की।
अब इसमें आप सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ देखेंगे वो सबसे ज़्यादा जो फोकस जाता है वो जाता है 120 और 117 पे। अगर इतनी कट ऑफ जाती है तो भैया इतने नंबर कैसे आएंगे? तो देखिए आप सभी को बता दें कि ये जो 120 नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सभी कैंडिडेट के 120 नंबर नहीं है, फिर भी इनका सिलेक्शन कैसे हुआ वो यहाँ पे समझते हैं कि इस कैटेगरी में भी तो सिलेक्शन हुआ हुआ, इस ग्रुप में भी सिलेक्शन हुआ हुआ, जब 120 नंबर आएंगे नहीं तो यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा? तो देखिए सबसे मेन जो रोल रहता है वो रहता है नॉर्मलाइजेशन। अगर आप रेलवे की भर्ती में अगर आपने नॉर्मलाइजेशन का अगर मैटर समझ लिया तो आपका काम हो गया। तो यहाँ पे जो ये कैंडिडेट आपको 120 पे सिलेक्शन दिख रहा है वो ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके 100 प्लस रहे होंगे, 104, 105, 106 जितने भी रहे हों उनके नंबर 120 हो गए, यानी इंक्रीज नंबर हो के नॉर्मलाइजेशन में इतना बेनिफिट मिला कि इनके नंबर इतने हो गए। तो यही चीज रहेगी आपको जो मेन फोकस करके चलना है, क्योंकि आप सभी को पता है वन बाय थर्ड की नेगेटिव मार्किंग के साथ 120 में से 120 लेके कौन आ पाएगा। तो इसीलिए इतने नंबर हैं क्योंकि उनकी जो एक्यूरेसी थी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा थी, और रेलवे की भर्ती में जितनी अच्छी एक्यूरेसी उतने ज़्यादा नंबर। तो जो एक्यूरेसी पे खेल गया समझ लो उसका काम हो गया। तो अभी से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि तुक्के आपको अपने सिलेबस से बाहर कर देने, अगर आपको तुक्के लगाने की आदत है तो RPF भूल जाओ। अगर आपने इस पर कंट्रोल पा लिया तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सिलेक्शन ले जाओगे। जो आपसे ज़्यादा स्कोर कर रहे होंगे अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है तो आपके फाइनल में नंबर उससे भी ज़्यादा दिखाई देंगे नॉर्मलाइजेशन की वजह से। आई होप ये जो कांस्टेबल की कट ऑफ है वो आप सभी को एकदम से क्लियर हो गई होगी। अब कांस्टेबल की कट ऑफ के बाद चलते हैं SI की कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे मैं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का पूरा फंडा आप सभी को बता चुका हूँ, बस SI की कट ऑफ देख लेते हैं। RPF SI कट ऑफ 2018, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बता चुका हूँ मेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट और यहाँ पे आपकी कैटेगरी दी गई है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते चलिएगा। यहाँ पे आपको ग्रुप मिल जाएगा, ए ग्रुप की कट ऑफ देख लेते हैं। तो ए ग्रुप की जो कट ऑफ है OBC कैटेगरी में 90.53, वहीं पे SC की बात करें तो 88.23, इसके भी टोटल 120 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। ST कैटेगरी 85.59, जनरल कैटेगरी 94.59, फीमेल कैटेगरी 77.77, SC कैटेगरी 74.36, ST कैटेगरी 60.44, और वहीं पे अगर बात करें जनरल कैटेगरी तो 79.38। बी ग्रुप की बात करें तो 97.38, SC कैटेगरी में 90.06, ST कैटेगरी में आपकी बात करें तो 85.33, और जनरल कैटेगरी में आपका 100.76। OBC कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट के लिए 81.36, SC कैटेगरी में 74.22, ST कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो 64.22, और जनरल कैटेगरी में बात करूं तो 87.12। वहीं पे बात कर लेते हैं सी ग्रुप की तो 92.63, SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 84.15, और ST कैटेगरी में आपकी 81.45, और जनरल कैटेगरी 94.02। फीमेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं तो 75.82 OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी आपका 66.32, और ST कैटेगरी 62.87, और जनरल कैटेगरी 79.43। डी ग्रुप में आते हैं मेल कैंडिडेट की तरफ तो OBC कैटेगरी 97.75, SC कैटेगरी 88.49, ST कैटेगरी 87.67, और जनरल कैटेगरी 99.95। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो OBC कैटेगरी में 84.45, वहीं पे SC कैटेगरी 72.92, ST कैटेगरी 72.49, और जनरल कैटेगरी 87.42। लास्ट में आता है आपका ई ग्रुप, ई ग्रुप की अगर बात करें तो OBC कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की 77.32, SC कैटेगरी 69.44, ST कैटेगरी 62.62, और जनरल कैटेगरी 74.22। वहीं पे बात करें, अब यहाँ पर कुछ बार बार आपको कट ऑफ में देखने के लिए मिल रहा होगा कि आपकी OBC की कट ऑफ कई बार जनरल से भी ज़्यादा जा रही है, तो ये वेरिएशन करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर, वैकेंसी के ऊपर। OBC देखेंगे फीमेल कैंडिडेट की 46.92, SC कैटेगरी 38.67, ST कैटेगरी देखेंगे 40.48, और जनरल कैटेगरी आपकी 42 कट ऑफ गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेल कैंडिडेट की कट ऑफ फीमेल कैंडिडेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है और इससे कुछ सीख लेनी है, ना कि अपने आप को डिमोटिवेट करना कि इतनी कट ऑफ जाती है। इतनी कट ऑफ क्यों जाती है वो भी मैं आप सभी को बता चुका हूँ, मेन फैक्टर है आपका नॉर्मलाइजेशन, उसी की वजह से आपकी इतनी कट ऑफ हो जाती है, बाकी का आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। रेगुलर आप सभी को टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहेंगे, हर चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते रहेंगे जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप सभी को अपडेट मिल जाए। प्यारे साथियों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।